गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये ऑक्सलेस प्लांट है, ऑक्सलेस कहते हैं। ये मैंने इसमें लगा दिया था, थोड़ा बड़ा प्लांटर भी था और वैसे तो ये रेत वाली मिट्टी है, मगर फिर भी इसमें मॉइस्चर ज़्यादा बड़े प्लांटर की वजह से होल्ड हो रहा था। तो इस वजह से मेरे ये ऑक्सलेस के शेमरॉक ऑक्सलेस के प्लांट बहुत बेकार हो गए। मैं ढेर सारी लेके आई थी, काफ़ी थे। तो ये देखो, ये बल्ब से लगते हैं, इनकी देखो सारी लीफ बिल्कुल गल गई, अगर ध्यान नहीं देते तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं दे रही थी और इसकी केयर कैसे करनी ये मैं बताने वाली हूँ। ये बल्ब से ग्रो हो सकते हैं और मल्टीप्लाई भी बल्ब से होते हैं और डिवीज़न से भी ये लग जाते हैं। और ये पर्पल हार्ट कलर के दिल के तीन पत्तियाँ बटरफ्लाई जैसी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। और ये छोटे छोटे बल्ब मैं बहुत लेके आए थे, कुछ तो गल गए उसमें और कुछ ये रह गए हैं। तो मैं इन्हें फिर से रेत वाली मिट्टी, बिल्कुल ढीली सॉफ्ट मिट्टी में ही लगते हैं, जिससे कि ये बल्ब गल ना जाए। तो इस तरह से इन्हें मैं इसमें रिपोर्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं देखती तो ये मर जाते हैं। और ये गर्मियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, ये सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से मैं ये लगा दूँगी फिर से, मैंने ध्यान दे लिया, नहीं तो नहीं ध्यान दे। और ये बड़े बड़े प्लांट के नीचे मैंने लगा रखे थे तो ये इसलिए और भी ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम हो गई। वैसे शेड में रहने वाले प्लांट है, नहीं बिल्कुल अंधेरे में भी नहीं रखना है, थोड़ी सी ब्राइट लाइट पसंद होती है, पर धूप ना पड़े, क्योंकि गर्मियों में ये मर जाते हैं। और बहुत सॉफ्ट सी इसकी ब्रांचेज होती हैं और मुश्किल से 6 इंच की हाइट ही रहती है और इसमें वाइट कलर के पर्पल फूल आते। इतनी मुट्ठी भर के ये फ्लावर्स, ये प्लांट थे वो सारे ही गल गए। तभी कहते हैं कि बरसात में अपने प्लांट की रूट देख लेनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। देख रहे हैं आप, ये स्टेम इस तरह से गल के बिल्कुल बेकार हो गई हैं। मेरे बहुत सारे प्लांट बिल्कुल बेकार हो गए, तो ये 2-4 बल्ब बचे हैं तो मैं इन्हें लगा दे रही हूँ। इनमें पानी बहुत कम डालना है, इन्हें पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि ढेर लगा दो पानी, ज़्यादा पानी में ये मर जाते हैं। अभी तो लगाया तो हल्का पानी लगाऊंगी, मगर जब मिट्टी 2 इंच की सूख जाए तभी पानी लगाएंगे। और इस तरह का पॉट हो कि उस पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, मिट्टी ऐसी हो, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया हो, जिससे कि पानी इसमें रुके ना, बिल्कुल पानी निकल जाए, सॉफ्ट मिट्टी हो, कंपोस्ट वगैरह डाल देते हो वो अच्छी रहती है। अब जैसे ही इसका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो, तुरंत इसे रिपोर्ट करके इसमें खूब अच्छी सी रिच खाद वगैरह डाल के और फिर से रिपोर्ट कर दो। और रेतीली मिट्टी ही रखो, कोकोपीट वगैरह मिला के, क्योंकि मॉइस्चर तो अच्छा लगता है, इससे नमी अच्छी लगती है, पर इससे क्या कहते हैं, बहुत ढेर सारी दलदल टाइप की मिट्टी अच्छी लगती है, चिकनी मिट्टी अच्छी लगती है, उसमें ये रूट जल गल जाएंगे। देख रहे हो आप फिर कितनी बुरी हालत हो गई इनकी सारे प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, ये जहरीले भी बहुत होते हैं, तो अपने पेट से, अपने बच्चों से बचा के रखो। और इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे से फूल आते हैं, देखो ये मैंने रेत ही है, ये रेतीली मिट्टी जिसे कहते हैं ना, वो है ये बालू मिट्टी, उसी मैंने कंपोस्ट बना के लगा दिए। और अभी तो पानी कमी डालेंगे क्योंकि बरसात बहुत शुरू हो रही है। मेरी यही मिस्टेक हो गई कि मैंने इसे शेड में नहीं रखा, छत के नीचे रख लेती बालकनी वगैरह में, तो ये ख़राब नहीं होते। अब क्या करें, अब हो गया तो हो गया। फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।